please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हर्षित चौधरी रियल्टी मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं स्वर्ण जयंती पार्क गाजियाबाद। यहां पर रेबा के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, रेबा यानी रियल इस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के द्वारा। इसी एसोसिएशन के एक व्यक्ति पुष्पेंद्र ने अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, या कह दीजिए कि सुसाइड कर ली है। सुसाइड कहने में एक बहुत ही छोटा और मामूली शब्द लगता है, लेकिन विचार कीजिएगा कि उस व्यक्ति को किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा जो उसने यह कदम उठाया। रियल इस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के एक मेंबर पुष्पेंद्र ने सोमवार 5 फरवरी 2018 को शाम 6:45 बजे के आसपास अपने ही घर पर आत्महत्या कर ली। पुष्पेंद्र की आत्मा की शांति के लिए रेवा के द्वारा 7 फरवरी 2018 को इंदिरापुरम स्थित स्वर्ण जयंती पार्क गाजियाबाद में शाम 5 बजे एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्पेंद्र की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस शोक सभा में रेबा के लगभग सभी मेंबर्स मौजूद रहे। रियल्टी मीडिया भी उनके इस गम में शरीक हुआ और वहां मौजूद लोगों से इस घटना की जानकारी जुटाई। आज यहां मेरे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र जी के बहुत ही करीबी, जो कि दिन में से 10 घंटे उन्हीं के साथ बिताया करते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पुष्पेंद्र जी किस स्वभाव के आदमी थे? सर, ऐसा इंसान हम लोगों में से नहीं है। पहली बात, इतना अच्छा इंसान था, उसका किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जो मीडिया में दिखाया गया कि उसके ऊपर कर्ज था, पंखे से फांसी लगा ली, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी। सर, वो डिप्रेशन में था सिर्फ, उसके अंदर क्या दबाव था सर बताया भी नहीं। शाम से लेके सुबह तक हम लोग 10 घंटा साथ में रहते थे वैभवखंड में, ठीक है सर। कभी उसने कोई बात बताई नहीं। गलती हो गई, उसका भाई गांव चला गया और वहाँ पे अकेले में उन्होंने क्या किया सर नहीं पता। हम लोगों ने जो देखा है वो बाकी बाद में ही जाके देखा है। किसी से भी उसका कोई व्यवहार, रिलेशन कोई भी ख़राब नहीं है सर। आप घटना स्थल पर जब पहुंचे तो वो किन परिस्थितियों में थे? सर, वो बैठे हुए थे, जब मैंने देखा वो बैठे हुए थे, गले में एक वायर उनके लगा हुआ था और नस उन्होंने काटी थी, तो खून से सारे बिस्तर लदे हुए थे। पुलिस वाले को जो FIR लिखी है वो मैंने ही वहाँ जाके FIR लिखी है, तो आगे लेके गए। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ चंचल जी, जो कि पुष्पेंद्र जी के भाई हैं, और हम इनसे बात करते हैं। तो चंचल जी, क्या परिस्थिति ऐसी बनी जिनके कारण, जिनके चलते उन्हें ये आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा? सर, ये तो हमें भी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्या, उनके आगे मजबूरियाँ आई क्या, हमें कुछ नहीं बताया, अपने छोटे भाई को कुछ नहीं बताया, कोई बातें हमसे शेयर नहीं करी। अंदर ने किसी बात करके घुट रहे थे, कोई तकलीफ थी किसी को शायद शेयर नहीं करी हैं, पता नहीं क्या समस्या ऐसी आई कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा भी हमें दिन देखना पड़ेगा, ऐसा भी कदम उठा सकते हैं, वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कभी। हमारे साथ मौजूद हैं रेबा के चेयरमैन अजीत चौधरी जी, आइए पूछते हैं इनसे। तो अजीत जी, आप आज आपके बीच में आपके साथी नहीं रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद है कि हमारे बीच में हमारे एक साथी जिनका नाम पुष्पेंद्र था वो नहीं रहे। किसी कारणवश वो उनकी आज हमारी बीच में नहीं है। वो बेसिकली दो चीज़ें हम ये सबसे ये कहना चाहें कि जो भी समस्या है किसी भी तरह से हम आपस में शेयर करें, एक दूसरे के दुख में शरीक हो। तो सबसे मैं ये अपील करूँगा कि कुछ भी समस्या है कम से कम हम सामने रखें, एक दूसरे के साथ रखें, मतलब ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार भी जुड़ा होता है, उसको भी हमें देखना है। तो बस यही कहना है कि मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि आत्मदाह की स्थिति में अपने आप को ना लेके आए, कम से कम अपने आस पड़ोस अपने परिवार से अपनी परेशानी शेयर करें, जिससे समस्या का समाधान हो। इस शोक सभा में उपस्थित रेबा के बहुत से मेंबरों से हमने बात की है, जो कि पुष्पेंद्र जी के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और दिन में 10 घंटे उनके साथ बिताया करते हैं। उन्होंने बताया कि पुष्पेंद्र जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और उन्होंने यह भी बताया कि जैसा कि यहाँ के न्यूज़पेपरों में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने किसी आर्थिक तंगी के चलते यह कदम उठाया, वो बिल्कुल झूठ बताया जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि मानसिक तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है।